हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स के चैप्टर को ही। उसके कुछ टॉपिक रह गए, जैसे अच्छा भाई पढ़ते मजा आ रहा ना थोड़ा सा। बहुत इजी है ये, थोड़ी लेंथी तो है उसके क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, अब जैसे लास्ट टर्म पे मैंने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था। क्या बताया था? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जहां हमारी बात हुई थी। अब वहीं से शुरू करते हैं कंटिन्यू। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्या होता है? इफ ए बी ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो, ए बी इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड बी मैट्रिक्स बी जो है नॉट इक्वल, देन डिटरमिनेशन ऑफ ए विल बी क्या है? अगर कोई ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या है कि सेम ऑर्डर की हो, किस तरह की हो, ए बी द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज जीरो हो, देन इफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी क्या ना हो, जीरो ना हो, बी क्या ना हो, जीरो ना हो, देन द डिटरमिनेशन ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। यही है डिटरमिनेशन ऑफ इज इक्वल टू द, ये अब है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, जैसे पहली है एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पॉसेस ए यूनिक यूनिक इनवर्स, एवरी एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैव पॉसेस आ यूनिक इनवर्स। जितनी भी एवरी एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पॉसेस ए यूनिक इनवर्स। नंबर दो, ए इनवर्स टू इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स मैट्रिक्स क्या रहता है? ए आ जाता है। क्या रहता है? ए। इनवर्स ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स विल बी ए। या ए इनवर्स, या ए का इनवर्स ये, ए इनवर्स या ए इनवर्स ये। और वी कैन से ये चौथी क्या है? रिवर्स लॉ। रिवर्सल लॉ,
इफ ए, इसे ही कहते हैं इफ एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स देन ए बी विल बी ए बी विल बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स। पांच में क्या है, कोई मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज का इनवर्स, कि मैट्रिक्स क्या है इसका इनवर्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं, दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। फिर क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है इसका इनवर्स है, फिर उसका इनवर्स और के ये भी इसके इक्वल होता है, ठीक है भाई। अगर के ए इनवर्स ये आठ आ जाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए अपॉन यही इनवर्स जो उसका होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स का, वो इसके इनवर्स का होता है। ये क्या होता है, नहीं इफ अ डायगोनल इफ ए इज डायगोनल ए वन ए टू ए थ्री ए एन, इफ ए इज डायगोनल ए वन ए टू ए थ्री ए एन एंड मोड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू अगर ये देन ए ए इनवर्स क्या जाएगा यहां से, देन ए ए इनवर्स इज इक्वल टू डायगोनल ए वन का इनवर्स ए टू का इनवर्स ए एन का इनवर्स ए ए इनवर्स इज इक्वल टू डायगोनल ए ए इनवर्स ए टू ए इनवर्स ए इनवर्स क्या जाएगा ये आई, क्या जाएगा ये आई, क्या जाएगा ये
वन क्या है भाई, वन ये कह देते हैं इसे, अगर सारे एलिमेंट है वो तो आई टेन, तो आई एस ये देखो क्या है क्वेश्चन। देखो अब जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, ये सारी एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए है, एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पॉसिबल ए यूनिक इनवर्स, हर एक जितनी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है वो एक इनवर्स हमेशा रखे ही रखेगी, ठीक। यानी कि ए इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स इज ऑलवेज सेम मैट्रिक्स, इज सेम मैट्रिक्स, यानी किसी भी नंबर का, किसी भी मैट्रिक्स का हम पहले चाहे इनवर्स लो फिर डिटरमिनेशन कर लो, या डिटरमिनेशन कर लो फिर उसका इनवर्स कर लो, दोनों हमेशा जो है वैल्यू सेम रहती है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/2। ये इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तो ए बी विल बी आल्सो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, एंड ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। इसका कोई मैट्रिक्स है ए फॉर एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, फॉर फॉर अ मैट्रिक्स ऑर्डर एन, और इन्वर्टिबल भी है, तो यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो फिर उसका इन्वर्स कर लो, चाहे पहले उसका इन्वर्स कर लो फिर ट्रांसपोज कर लो, देन बोथ ओवर आर सेम, फिर क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका कोई पावर स्केलर नंबर है फिर इसका इन्वर्स निकाल लो, चाहे इसका इन्वर्स निकाल लोगे फिर उसकी स्केलर की पावर कर दो, बोथ आर सेम। अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो इसका क्या रहता है, ए इन्वर्स अपॉन के से डिवाइड करता है, क्या रहता है ये डिवाइड, एडजेंट ऑफ ए, यानी किसी भी चीज का एडजेंट ऑफ ए क्या है, एडजेंट ऑफ का इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है ए मैट्रिक्स ए अपॉन मोड ए, क्या है मैट्रिक्स ए अपॉन मोड ए। अच्छा अगर कोई ए ए कोई इस तरह की मैट्रिक्स है कि डायगोनल एलिमेंट ए वन ए टू एन सी है, इस तरह की है, इसकी डिटरमिनेशन की वैल्यू जीरो नहीं है, और कोई ए इनवर्स है उसके जो है डायगोनल एलिमेंट है ए वन इनवर्स ए टू इनवर्स ए थ्री अब तक ए इनवर्स है, इसके जो ए ए इनवर्स ए ए डायगोनल का एलिमेंट, डायगोनल का मल्टीशन ये आ गया, तो ए ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए वन इनवर्स आ जाएगा वन 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 तो जाएगा आई वन, ए ए इनवर्स क्या आ जाता है आई एन, दैट इज ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनको याद कर लेंगे, रट लेंगे इनको प्रॉपर्टी पर, जहां भी इनका यूज होगा वहां इसका लगा देंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं के ऊपर, जैसे इफ ए एंड ए बी एंड ए प्लस बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if a a b and a plus b are non singular matrix, then a a plus b inverse
इनवर्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स ए प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा पहले मैं इसको ही ले लेता हूँ, पहले से क्या लेता हूँ मैं इसको ही ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू ये आ जाए। इसको अगर मुझे प्रूव भी करना है, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, प्रूव भी कर सकता हूँ। कैसे, क्या है देखो, ये पहले इसको ही ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ए ए प्लस बी का इनवर्स बी इनवर्स ए है, ये क्या ले लिया, ए ए प्लस बी का इनवर्स बी का इनवर्स ए, इसका सबका क्या कर दिया मैंने, इसका इन्वर्स कर दिया, इसका सबका क्या कर दिया मैंने, इन्वर्स कर दिया, सबका क्या कर दिया मैंने, इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, ये पहले तो मान ली ये फंक्शन है, ये फिर ये फंक्शन है, तो क्या आ गया, बी इन्वर्स का इन्वर्स हो जाएगा ए ए प्लस बी का इन्वर्स का इन्वर्स। अच्छा बी है, फिर ये क्या आ गया इसमें, b इनवर्स तो जुगत हूँ, फिर इसमें लगा देगा a प्लस बी का इनवर्स और a इनवर्स, ठीक। ये इनवर्स है, फिर ये इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा, ये क्या आएगा, बी इनवर्स ए प्लस बी, ये ए इनवर्स क्या आ गया, ये ए इनवर्स, फिर क्या करा मैंने, ए इनवर्स, फिर क्या बी इनवर्स की किस वजह मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, बी इनवर्स ए प्लस बी इनवर्स बी इक्वल टू ए, बी इनवर्स बी की वैल्यू क्या आ गई, आई आ गई, ये क्या आ गई, बी इनवर्स ए प्लस आई इक्वल ए इनवर्स, ए इनवर्स की फिर मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ जाएगा, ये बी इनवर्स ए ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स, इसकी आई आ गई, बी इनवर्स आई प्लस आई की मल्टीप्लाई ए इनवर्स बी इनवर्स की आई हो, बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, ये थ्योरम ये हो गया। अगर ए बी आर एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो क्या आ जाता है, ए ए प्लस बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू क्या जाता है, बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, देखो ये दे लिया मैंने, इसका क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया, फिर मैंने दो फंक्शन मान लिया इसको, पहले मान लिया, पहले तो ये फंक्शन आ गया, फिर बी ए बी होता ना, ए बी का इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूला बी इनवर्स ए इनवर्स ए ये होता है ना, तो ये एडिटिव, इसका इनवर्स का इनवर्स, फिर ये इनवर्स का इनवर्स, अच्छा ये आ गया, ये इसका इनवर्स कर दिया, फिर मैंने इसको दो फंक्शन मान लिया, पहला ये दूसरा है, फिर इसका इनवर्स का इनवर्स, और ये इनवर्स का इनवर्स सेम नंबर होता है, प्रॉपर्टी है ये ए इनवर्स, फिर बी इनवर्स की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बी इनवर्स ए प्लस बी बी इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, आई बी इनवर्स ए, फिर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि बी इनवर्स ए इनवर्स ए प्लस आई ए इनवर्स ए, ए ए इनवर्स की वैल्यू क्या आती है, ए इनवर्स की क्या आती है, आई, तो आई की सेम आ गई, इसकी आ गई, तो बी प्लस ए इनवर्स, ठीक।
ठीक है भाई। अगर मान लिया, फिर आगे क्या है? इफ ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस वन, इफ मैट्रिक्स सेटिस्फाई सेटिस्फाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस वन, इफ ए इज ए मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई माइनस ए की वन वन, देन प्रूव दैट ए की पावर टू एन इज इक्वल टू ए की पावर टू एन माइनस टू इज इक्वल टू फोर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ए की पावर टू की पावर एन माइनस टू, ए की पावर अगर कोई ए मैट्रिक्स हो, इस तरह का मैट्रिक्स हो कि मैट्रिक्स का स्क्वायर इसके इनवर्स के बराबर हो, इसको फिर क्या होता है? ए की पावर टू एन इक्वल टू ए की पावर टू की पावर एन माइनस टू फोर एल एन बिलोंग्स टू एन, इट इज कॉल्ड टू द, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई आगे बढ़े। एक क्या है, फिर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है टू और फोर माइनस वन, टू फोर माइनस वन, माइनस थ्री माइनस टू फाइव, माइनस थ्री माइनस टू फाइव, सिक्स जीरो एट, ये भी मैट्रिक्स है। पहले इसमें क्या है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू और बाई, पहले है कि इंटरचेंज बाई टू रो और कॉलम, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसकी डिटरमिनेशन, तो इस
किससे करते हैं इंटरचेंज, मान ले जैसे आर टू को आर थ्री में चेंज करनी, आर टू को आर थ्री में, आर टू को आर थ्री में चेंज करनी है, आर टू को आर थ्री में चेंज करनी है, तो क्या आ जाएगा, आर टू को आर थ्री में चेंज करके आर टू को आर थ्री में चेंज करनी है, जैसे 2 4 -1 तो ये जीरो को तुम जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 0 8 -3 -2 5। ये अगर ये तो आर टू, अगर मैं कहूं C1 को चेंज करना है C2 को, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम में नहीं, दूसरी रो को तीसरे कॉलम में इंटरचेंज आपस में ये कर दिया है, इसमें पहले कॉलम को दूसरे कॉलम पे, पहले कॉलम क्या है, इस पहले की इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 -2 0, फिर क्या आ जाएगा 2 -3 6, फिर क्या आ जाएगा -1 5 8। ये क्या आ गया, ये आ गया इंटरचेंज बाई 2 रो 4 कॉलम, ये इस तरह चेंज होता है, इंटरचेंज बाई 2 रो और 4 कॉलम। अब है ठीक है, अब दूसरा है मल्टीप्लिकेशन बाई, मल्टीप्लिकेशन बाई नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो स्केल नंबर, एनी रो और कॉलम, एनी रो और कॉलम, मल्टीप्लिकेशन बाई एनी नॉन जीरो नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाई एनी ऑफ एनी रो और कॉलम एलिमेंट, जैसे मान लिया यही है, ये मान लिया थर्ड रो है, ये क्या थर्ड रो है, ये थर्ड रो है, इसे मान लिया के से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड रो को के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा ये 2 4 -1 -3 -2 5 18 जीरो। इसका ये आएगा ठीक है, अब है एडिशन, अब आगे क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वन रो टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द देयर रो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट कोरस्पोंडिंग, एडिशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कोरस्पोंडिंग रो या वो एलिमेंट, रो एलिमेंट
जैसे अब मैंने इसके जो है आर वन को, आर वन में क्या करना है, आर वन प्लस आर टू करना है। आर वन में क्या करना है, आर वन प्लस आर टू, इसको दोनों को ऐड करा, टू माइनस थ्री कितना आ गया, माइनस वन, फोर माइनस टू टू, माइनस वन फाइव फोर, और ये क्या आ गया माइनस थ्री, माइनस टू फाइव सिक्स जीरो एट, ये आ गया। इसके चाहे थे कॉलम भी कर दो, यानी रो और कॉलम एलिमेंट, चाहे रो भी कर दो चाहे क्या कर लेंगे कॉलम के कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ आ स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लिया एक्स है, एक्स जो है, एक्स इज सेट टू बी, एक्स इज सेट टू बी एक्स इज सेट टू बी कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स एक्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एक्स भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहलाएगा, क्या है ऑफ अ कैरेक्टर मैट्रिक्स का, अगर कोई एक लैम्डा एक एग्जिस्ट एक नंबर हो, देयर इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर, देर एग्जिस्ट ए नंबर लैम्डा, सच दैट ए लैम्डा इक्वल टू, सच दैट इक्वल टू एक्स इक्वल टू लैम्डा, एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, देन लैम्डा इज कॉल्ड टू द, लैम्डा इज सेट टू द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए, लैम्डा इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट
ऑफ अ गिवन मैट्रिक स्पेस, लैम्डा इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल्सो कॉल्ड टू द लेटेंट और आइगन वैल्यू, इज कॉल्ड द प्रॉपर लेटेंट और आइगन वैल्यू. क्या कहलाता है ये, कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक या आइगन और लेटेंट. उसके तीन नाम है, लैम्डा इज कॉल्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए मैट्रिक या आइगन वैल्यू या लेटेंट रूट या लेटेंट रूट. ये क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर. तो ये है क्या आ गया था, ये ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स आ गया था, ये ए एक्स माइनस के लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस लैम्डा एक्स बाहर कॉमन ले लिया इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो. एक्स जीरो नहीं हो सकता, ये इसे ये क्या आ गया, ये क्या आ गया था, ये आ गया था ए माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस इसे कर सकता हूँ लैम्डा आई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो. एक्स जीरो नहीं हो सकता, एक्स क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता इस थ्योरम से. जब एक्स जीरो ना हो तो क्या आएगा, ये जीरो होगा, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो आएगा. क्या आएगा, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, हेंस लैम्डा इज द एनी नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक रूट. इस तरह निकालेंगे ए माइनस लैम्डा आई. क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है कि एक्स इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द ए इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर लैम्डा सच दैट, इस तरह का हो जाए ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इस लैम्डा को क्या कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट या इगन वैल्यू या लेटेंट रूट कुछ भी कह दो. इसकी वैल्यू है मान ले ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसे इधर लिया एक्स दोनों से कॉमन ले लिया, तो एक्स जो है जब नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है जब जीरो की इक्वल, तो ये होगा ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो. इस तरह की भी चीज के आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर हम निकाल लेते हैं. एक इसकी प्रॉपर्टी है जैसे मान लिया एक क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है ये कोई मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द टू रो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, टू रो फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्डर टू एक टू ऑर्डर की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसकी क्या निकालने हैं, कैरेक्टरिस्टिक निकालने हैं, कौन सी मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए इज इक्वल टू क्या है ये कोस थीटा, ए इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा. इस तरह की ये कोई जो है, इस तरह की कोई मैट्रिक्स दे रखी है
इसके जो है रूट निकालने, क्या निकालने हैं इसके रूट। तो इसके रूट निकालने के भी मैंने बताया था क्या निकाल लेते हैं, ए माइनस लैम्डा आई, ये आ गया कोस थीटा माइनस लैम्डा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस लैम्डा, ये आ गया। इसकी इसकी मल्टीप्लिकेशन में माइनस ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर ये ए माइनस लैम्डा फॉर फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये क्या आना चाहिए था, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू क्या आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था, ये क्या आ गया कोस थीटा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जीरो। अब क्या आ गया ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आ गया ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई वन आ गई, क्या आ गई वन प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा कोस थीटा इक्वल टू जीरो, क्या आ गया लैम्डा वन प्लस लैम्डा का स्क्वायर या तो ऐसे करते यार, ये लंबी पड़ेगा इस तरह, ये लंबा होगा, क्या आ गया कोस थीटा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको क्या कर लिया, कोस थीटा का कोस थीटा माइनस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर से, ये माइनस वन है, माइनस वन को क्या कर देता हूं मैं कंप्लेक्स नंबर में, आई का स्क्वायर ये क्या आ गया कोस थीटा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर आई का स्क्वायर साइन दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, कोस थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आई साइन थीटा, और ठीक आ गया, और लैम्डा इक्वल टू क्या गया कोस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, क्या माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर साइन चेंज नहीं होगा, ये क्या आएगा कोस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, ये वैल्यू ये क्या आएगी, ये क्या सवाल था, ये क्वेश्चन था क्या क्वेश्चन था ये कि ए इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, ये इसका कोई मैट्रिक्स था ऑर्डर टू का था, इसका जो है आइगन वैल्यू निकालनी थी, आइगन वैल्यू ए माइनस लैम्डा आई से निकालते हैं, ये कर लिया इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया और फोर आइगन वैल्यू ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, इसको जीरो रख दूंगा मैं, तो ये आ गया फिर इसी तरह क्या आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस को क्या कर देता हूँ इसको माइनस वन इक्वल टू आई स्क्वायर, तो क्या आई स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर रूट ले लिया कोस थीटा माइनस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस आई साइन थीटा, इससे कर लेंगे माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया लैम्डा इक्वल टू कोस थीटा प्लस माइनस आई और क्या साइन थीटा, ठीक है भाई। अब आगे क्या है,
so that if lambda 1, lambda 2, lambda 3 and so on, lambda n are the eigenvalue of a matrix A. So, matrix A है, इसके eigenvalue कितनी दिया कि lambda 1, lambda 2, lambda 3 up to lambda n. इसकी आइगन वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, इसकी आइगन वैल्यू दे रखी है. अब अगर देन लैम्डा का 1 का स्क्वायर, लैम्डा का 2 का स्क्वायर, लैम्डा 3 का स्क्वायर, लैम्डा n का स्क्वायर आर द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर. अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ऑन आइगन मैट्रिक्स के, इसकी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू हैं, तो इसका जो स्क्वायर होगा लैम्डा 1 का स्क्वायर, लैम्डा 2 का स्क्वायर, लैम्डा 3 उनके आइगन का स्क्वायर होगा, वो भी वो इसके मैट्रिक्स का स्क्वायर का भी, इसके जो है अगर ए के ये आइगन वैल्यू है तो ए स्क्वायर के भी ये होंगे. ये ठीक है, यही कर लो, समझ लो. यानी अगर लैम्डा 1, लैम्डा 3 से मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू है, तो इसके जो स्क्वायर के जो आइगन वैल्यू है उसके मैट्रिक्स के ए स्क्वायर के इक्वल हैं. देखो अगर अब एक और है, अगर ए ए इज इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है वो गिवन है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स विल बी रेसिप्रोकल टू आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए. अगर कोई ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स के आइगन वैल्यू इस किसके रेसिप्रोकल होंगे, ऑफ मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स के इसके रेसिप्रोकल होंगे. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं. अगर मान लिया इसका 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 आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो इसका कितना होगा, वन अपॉन लैम्डा होगा. इसका कितना होगा, 1 अपॉन लैम्डा होगा, यानी इसका एक दूसरे का उल्टा. ठीक है आगे. जैसे है if a if eigen value of a 3x3 matrix if eigen value of a 3x3 matrix is 0
then if of a matrix A, then determination of A is equal to 0. क्या कह रहा है? इफ आइगन वैल्यू ऑफ कोई कोई मैट्रिक्स है, 3x3 क्रॉस की कोई मैट्रिक्स है, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ये आइगन वैल्यू ऑफ 3x3 क्रॉस की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी 0 है, देन डिटरमिनेशन ए इक्वल टू 0. उसकी डिटरमिनेशन क्या होगी? हमेशा 0 होगी. अगर इसे प्रूव भी करना है तो प्रूव किसका कर सकते हैं? मान लिया ए है, ए जो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, किस तरह की है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये रहेगा a-λi. इसका a-λi निकालेंगे. a-λi किससे निकाल देखते हैं? ये क्या रहेगा? a1 λ b1 c1, a2 b2 λ. ठीक है, लेमडा घटाओ तो इसके डायगोनल एलिमेंट में से a3 b3 c3 -λ. यहां बात समझ आ गई भाई? अब इसका अगर डिटरमिनेशन निकालना हो मुझे, डिटरमिनेशन हो a-λ, डिटरमिनेशन ऑफ लैम्डा इज, तो क्या आ जाएगा? ये शुरू में आ जाएगा, ये क्या जाएगा? b2 क्या जाएगा? ये एक बार से खोल लेते हैं, क्या खोल लेते हैं, क्या आ जाएगा बोलो? a1 -λ b2 -λ b2 -λ ब्रैकेट c3 -λ माइनस b3 c2 b3, फिर इसी तरह से प्लस, अब माइनस b1 क्या आएगा? प्लस b1 प्लस नहीं बल्कि माइनस b1 क्या आएगा? ये माइनस b1, फिर इसे ये करूंगा क्या आएगा? a2 c3 -λ, a2 c3 -λ, a2 c3 -λ माइनस a3 c2. प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस लेमन. या अगर दे रखा है इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू इज 0 है इसका, तो इसका जो है, इसका जो लैम्डा की जो मान है उसमें एक क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? 0 आनी चाहिए. क्या लैम्डा की क्या मान होगा? 0 आ जाए. लैम्डा छूट भी क्या होना चाहिए? 0 0. तो इसका मतलब जितने भी कॉन्स्टेंट टर्म है, जितने भी कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या आने चाहिए? 0 आ जाएंगे. तो यहां से क्या जाएगा? कॉन्स्टेंट टर्म जैसे इससे पहले हो जाए, a1 b2 c3, क्या जाएगा? a1 b2 c3, क्या जाएगा? a1 b2, देखो यहां भी देख, इसमें भी लैम्डा आएगा, ये भी क्या आएगा? कॉन्स्टेंट सिर्फ जाएगा a1 b2 c3, क्या आएगा? a1 जिसमें लैम्डा ना आता हो, क्या आएगा? a1 b2 c3, क्या आएगा? a1 b2 c3, क्या आएगा? a1 b2 c3, फिर क्या आएगा? एक और आएगा, क्या आएगा? a1 माइनस a1, इससे जब मल्टीप्लाई में a1 b3 c2, एक तो इससे आएगा और एक इसकी, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा जो आएगा, इसी तरह
इधर से क्या आएगा प्लस, इधर से क्या आएगा ए टू प्लस से क्या आएगा, ये ए टू बी वन, ए क्या आएगा ए टू बी वन सी थ्री, ए टू बी वन क्या आएगा यहां पे माइनस बी वन ए टू सी थ्री, माइनस बी वन ए टू सी थ्री, बी वन ए टू सी थ्री, एक इधर से कॉन्स्टेंट क्या आएगा माइनस 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 प्लस बी वन ए थ्री सी टू, बी वन ए थ्री इसी तरह सी वन ए टू बी थ्री, जब इसकी करूंगा मैं ये क्या आ जाएगा माइनस सी वन ए थ्री बी टू, तो ये जो है आपस में क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये सारा कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये सारी क्या आ जाएगी, ये सारी जीरो है, क्या है ये सारी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जीरो आ जाएगी, ये ना है ना ए वन बी टू सी थ्री, ए वन सी टू बी थ्री, ए वन सी टू बी थ्री, तो ये सारी सम कट क्वेश्चन क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, क्या आ जाएगी ये जीरो आ जाएगी, जब इसकी ये जीरो आ गई वैल्यू तो क्या आ गया डिटरमिनेशन ऑफ, ये क्या वैल्यू है डिटरमिनेशन ए इज इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेशन ए इज इक्वल टू जीरो है, डिटरमिनेशन ए इज इक्वल टू जीरो है, जब इसकी वैल्यू भी रहे एन एच एफ तो इसकी सब की वैल्यू क्या आ जाएगी डिटरमिनेशन ए इज इक्वल टू जीरो। अब कोई मान लो कोई आइगन वेक्टर हो थ्री बाई थ्री का क्या मैट्रिक्स है और तो कोई आइगन वेक्टर लैम्डा जीरो हो तो इसकी डिटरमिनेशन की वैल्यू भी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या भेज जाएगी जीरो आ जाएगी। ठीक है भाई आगे बढ़े, जैसे एक सवाल हो रहा है क्वेश्चन है इस, ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू एक मैट्रिक्स है वो ए जो है मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन ए विल बी देन ए क्या होगा ए देन ए इज ए क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स, ए क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, सेकंड क्या होगा नल मैट्रिक्स होगा, थर्ड क्या होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और चौथा क्या होगा नन ऑफ बी,
मेन ऑफ डी भी होगा, इन दोनों में से क्या होगा? देखो भाई, कोई मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, वो ए कोई मैट ये कोई मैट कैसे भी है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। फॉर इफ फॉर फॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो क्या आ जाएगा? ए आई आई क्या आ जाएगा? ए आई आई क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, और ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई ये आ जाएगा भाई। फोर ए इज फोर ए इज सिमेट्रिक, अगर ए जो है सिमेट्रिक्स है तो क्या आ जाएगा? ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, ए आई जे इक्वल टू जीरो एंड ए जे आई इक्वल टू ए आई जे फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई एंड जे। इसके लिए शर्त है कि आई इज नॉट इक्वल टू जे, इसके लिए शर्त है आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये अच्छा, जब कोई मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक भी है, ए आई है, इनके जो उसके डायगोनल एलिमेंट है वो भी इक्वल है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ए आई जे ए आई नेट इक्वल टू वो भी जीरो है, तो इसके लिए सारे कितने हो गए? मान लीजिए जैसे 2x2 की मैट्रिक्स है ये, तो ये तो a11 ए आई आई जीरो आ गया, ये ए टू ए क्या गया? A1, ये भी जीरो हैंस दैट इज टू द ऑल मैट्रिक्स एलिमेंट आर जीरो हैंस दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होगी उसकी? वो नल मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स ऐसी होगी, वो नल मैट्रिक्स। इफ क्या गया? इफ अ मैट्रिक्स इफ ए इज मैट्रिक्स सच दैट ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक देन द देन ए इज देन द मैट्रिक्स इज विल बी टू द नल मैट्रिक्स। सिर्फ वो एक नल मैट्रिक्स हो सकती है जो दोनों मैट्रिक्स हो। ठीक है भाई, आगे क्या है? अब आगे क्या सवाल है? इफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10x10 आर डिफाइंड, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10x10 इज डिफाइंड एज, एलिमेंट ऑफ इट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10x10 इज डिफाइंड एज, किससे डिफाइंड करते हैं इसकी एलिमेंट के मैट्रिक्स? ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस जे, डब्ल्यू की पावर ए आई जे इज इक्वल टू डब्ल्यू की पावर आई प्लस जे
वेयर डब्ल्यू इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, डब्ल्यू इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, डब्ल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन ट्रेस ऑफ ए, देन ट्रेस ऑफ ए विल बी, ट्रेस टी आर, ट्रेस ऑफ ए विल बी टी आर ए, क्या पूरा कर लो, ट्रेस ए सम ऑफ डायगोनल या विद राइट, देन ट्रेस ऑफ ए विल बी क्या होगा, 0 1 3 नैन ऑफ दीज, क्या क्या होगा, पहला है 0 1 3 क्या है भाई, देखो भाई एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, वो कोई ए मैट्रिक्स है 10 बाई 10 की, इस तरह की दी है, ए आई जे इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस जे, डब्ल्यू आई प्लस जे इस तरह की कोई मैट्रिक्स है, अच्छा जी, और इसका क्या निकालना है मुझे, ट्रेस ऑफ ए क्या निकालना है, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस क्या कहते हैं, सम ऑफ डायगोनल, यानी कि सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल ए आई आई या ए जे जे, यानी कि जिसकी रो और कॉलम है वही तो डायगोनल होता है, जैसे मान लिया ये है, ये 1 a b c d e f g h i, ये तो डायगोनल एलिमेंट ही है, ये देखो ये जहाँ ये क्या है, ए 1 1 पोजीशन है, ये क्या है, ए 2 2 पोजीशन है, क्या है, ए 3 यानी रो और कॉलम इनका सम, तो इसका क्या आ जाएगा, ये सम आई इक्वल टू 1 2 10, ए इक्वल टू 1 2 10, इसकी क्या आ गई है, ए 1 1 प्लस ए 2 2 ए 3 3 अप टू ए 10 ए 10 ए 10 कैरी, ए 1 1 क्या आ जाएगा यहां पे, डब्ल्यू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू 1 प्लस 1 जाएगा, डब्ल्यू 2 प्लस 2 डब्ल्यू 3 प्लस 3 डब्ल्यू 10 प्लस 10, ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की पावर 4 डब्ल्यू की पावर 6 डब्ल्यू की पावर 8 प्लस डब्ल्यू की पावर 2, इन सब में से डब्ल्यू का स्क्वायर दोनों में से सब में से क्या ले लूंगा, मैं कॉमन ले लूंगा, क्या कॉमन ले लूंगा, डब्ल्यू का स्क्वायर सब में से कॉमन ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू की पावर 4 डब्ल्यू की पावर 6 प्लस डब्ल्यू की पावर 18 यार, देखो ये है डब्ल्यू पावर 4, डब्ल्यू पावर 4 क्या कर सकता हूं मैं, इसे कर सकता हूं डब्ल्यू का क्यूब इंटू 1, डब्ल्यू क्यूब इंटू डब्ल्यू, ये क्या आ गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू,
तो डब्ल्यू की पावर 4 है, क्या कर सकता हूं मैं, डब्ल्यू आ गया, क्या आ गया डब्ल्यू का स्क्वायर, क्या आ गया 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, ये क्या आ गया 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक है भाई, अच्छा ये कितने हैं भाई, ये सारे टर्म्स हैं 10, ये सारे कितने टर्म्स हैं, ये 10, ये सारे टर्म्स कितने हैं 10। तो W इससे पहले जो आएगा ये W की पावर 17 भी आएगा, ये आएगा ना ये, तो ये कितने टर्म्स आ जाएंगे यहां से यहां तक के, ये आ जाएंगे कितने यहां से यहां तक के, कितने टर्म्स आ गए 9 आ गए, एक तो ये आ गया, फिर आगे इसके इसके आगे क्या आएगा W की पावर 6 8 और 10, क्या आएगा W की पावर, देखो W की पावर 6 W की पावर 8 और W की पावर 10, इस W की पावर 6 से तो क्या आ गया 1 आ गया, इस W की पावर 8 से W की पावर 2 आ जाएगा, W की पावर 10 से W आ जाएगा, जिस तरह ये है ना W की पावर 8, इसे कर सकता हूँ W की पावर 3 की पावर 2 इंटू W का स्क्वायर, W का 3 1 1 का स्क्वायर इंटू W का स्क्वायर 3 इंटू 1। इसी तरह से सर W की पावर 10, W की पावर 10, W की पावर 10 में क्या आ जाएगा, यो ये आएगा W की पावर 3 की पावर 3 इंटू W 1 इंटू W इक्वल टू W, ये भी बोल आ गया। अब ठीक इसी तरह से ये फिर आ जाएगा, ये आएगा 1 प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, फिर इसी तरह से 1 प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, ये प्लस 1, ये डब्ल्यू की पावर 18 क्या जाएगा 1, तो इसकी भी पावर 0, इसकी भी पावर, ये भी इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, क्या बचेगी खाली 1, तो डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू डब्ल्यू का स्क्वायर, हैंस इसकी वैल्यू इज डब्ल्यू का स्क्वायर, हैंस इसकी वैल्यू इज डब्ल्यू का स्क्वायर, तो क्या आ गया आंसर इसका नन ऑफ बी, क्या आ गया इसका आंसर नन ऑफ बी आ गया। देखो क्या सवाल है भैया, ये सवाल था एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 10x10 इज डिफाइंड एज द ए आई जे इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस जे, डब्ल्यू इज द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी का मतलब क्या होता है, यानी वही वाला वो डब्ल्यू क्यूब इक्वल टू 1, एक तो ये फॉर्मूला लगता है, एक इसमें क्या लगता है 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पढ़ा था हमने, अच्छा और इसका क्या निकालना है ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ डायगोनल ऑफ एलिमेंट, डायगोनल कहाँ डायगोनल होते हैं, डायगोनल होते हैं जहाँ इवन और दीगर डायगोनल एलिमेंट विच एलिमेंट विच हैव नंबर ऑफ रो एंड नंबर आर कॉलम आर सेम, तो ट्रेस ए इज इक्वल टू आई टू जे सम ऑफ समेशन ऑफ ए 11 ए आई आई ए आई आई इक्वल ए 11 ए 22 अप टू ए 10 10, ए 11 गिवन है ए आई जे इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस जे, तो ए 11 इज इक्वल टू क्या गया डब्ल्यू 1 प्लस 1 ए 22 डब्ल्यू 2 प्लस 2 या फिर डब्ल्यू 3 प्लस 3 डब्ल्यू 10 प्लस 10, ये आ गया। अब इनमें से ये आ गया डब्ल्यू की पावर 20 तक, इन सब में डब्ल्यू का स्क्वायर कॉमन ले गए 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू की पावर 4 डब्ल्यू की पावर, ये आ गया डब्ल्यू की पावर 18 डब्ल्यू की पावर 18 यहाँ 16, ये आ गया डब्ल्यू की पावर 18, यहां तक के ये सारे टर्म्स कितने होंगे 10 होंगे। अब मैं 3 3 के जोड़े बना लिए 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू पावर 4 डब्ल्यू पावर 4 क्या कर सकता हूँ डब्ल्यू का क्यूब इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 1 इंटू डब्ल्यू, क्या आ गया डब्ल्यू, तो क्या आ गया 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, फिर इस तरह यहाँ से किसके जोड़े बना लिए मैंने डब्ल्यू पावर 6 डब्ल्यू पावर 8 डब्ल्यू पावर 10, ये करके दिखाया मैंने इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर डब्ल्यू की जो वैल्यू 3 होगी उसकी भी आ जाएगी, इसमें से डब्ल्यू पावर 18 बचेगा, डब्ल्यू पावर 18 का मतलब होता है डब्ल्यू पावर 3 की पावर 6 डब्ल्यू पावर 1 और 6 इक्वल टू 1, सो खाली ये डब्ल्यू की पावर 18 तो 1 यहाँ बचेगा ये, और सारे जो है ये भी 0 ये भी 0 ये भी प्लस करके 0 तो 1 आ गया, तो डब्ल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू डब्ल्यू, स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है भाई, तो इस तरह ये निकाल लेंगे और ये जो है
हल्के एंड की ओर टॉपिक जा रहा है ये मैट्रिक्स। इसके फिर और क्वेश्चन जो आईआईटी जेई में मेन मेन क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। कोई प्रॉब्लम हो तो लिख के ले आना घर से, उसको मे से कैन आस्क एनी स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। देन ठीक है, थैंक्स ऑफ ऑल।